मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से। देवभूमि हिमाचल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सोलन जिले के सुबातू का जवान सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गया। शहीद बिलजंग गुरुंग 2 महीने पहले ही छुट्टी काट कर ड्यूटी पर लौटा था। उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वो अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल नेपाल गए थे। लेकिन परिजनों को मालूम नहीं था कि हंसी खुशी के ये पल बस अब कुछ दिनों के ही रह गए हैं। छुट्टी के बाद बिजलंग एक बार फिर भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गए। 3 दिसंबर को खराब मौसम में अपनी पोस्ट की निगरानी करते हुए अचानक ही बिलजंग बर्फ की खाई में जा गिरे। साथियों के कड़े प्रयास के बावजूद बिलजंग को बर्फ से निकालने से पहले ही बिलजंग शहीद हो गए। मंगलवार को सुबातू में जब शहीद पति के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही थी, तो उनकी पत्नी ने नेपाल से वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार को देखा। शहीद की पत्नी दीपा गुरंग 8 महीने की गर्भवती है और वो परिजनों के साथ नेपाल में है। ऐसे में शहीद बिलजंग गुरंग की पत्नी ने वीडियो कॉल के जरिए पति के अंतिम दर्शन देखे। आपको बता दें कि शहीद जवान के पिता भी अपने बेटे की यूनिट से ही सेवानिवृत्त होकर अब DSI के तहत भारत की रक्षा में तैनात हैं। उनका भाई GR में देश की रक्षा के लिए जम्मू की सीमाओं पर तैनात है। शहीद के भाई तुलसी गुरंग ने बताया कि बिलजंग स्कूल के समय से ही बहादुर रहा है। CM जयराम ठाकुर ने भी जवान की शहादत पर शोक जताया है। उन्होंने गोरखा राइफल में तैनात बिलजंग गुरंग के सियाचिन में मातृभूमि की सुरक्षा करते हुए शहीद होने पर शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोकग्रस्त परिवार को संबल प्रदान करें।